ताजमहल के पश्चिमी गेट स्थित नीम तिराहे चौराहे पर बनी यह बिल्डिंग पर्यटकों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। इस पर लगे रेड स्टोन कभी भी गिरकर पर्यटकों को घायल कर सकते हैं। तो वहीं महिलाओं की सुविधाओं के लिए बनाया गया बेबी फीडिंग सेंटर स्टोर रूम बनकर रह गया है। ऐसे में ताज का दीदार करने आए पर्यटकों को सुविधाओं के नाम पर सिर्फ ठगा जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल जिसे लाखों पर्यटक हर साल देखने आते हैं, इन दिनों सुरक्षा की गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। ताजमहल के पश्चिमी गेट के पास स्थित नई एडीए द्वारा बनाई गई बिल्डिंग ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया है। इस बिल्डिंग का निर्माण आकर्षक रेड स्टोन से किया गया है, जो देखने में सुंदर तो लगता है, लेकिन इसकी कमजोर संरचना अब समस्याएं उत्पन्न कर रही है। बिल्डिंग की स्थिति इतनी खराब है कि इसके रेड स्टोन अब उखड़कर नीचे गिरने लगे हैं। यह स्थिति न केवल पर्यटकों के लिए खतरा बनी हुई है, बल्कि ताजमहल की प्रतिष्ठा पर भी सवाल खड़े करती है। हाल ही में एक स्थानीय नागरिक ने बताया कि कुछ दिनों पहले एक बड़ा पत्थर उखड़कर गिर गया, जिससे एक पर्यटक घायल होने से बाल बाल बच गया। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि हजारों की तादाद में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। बिल्डिंग के निर्माण में ऐसी लापरवाही निंदनीय है, खासकर तब जब बात ताजमहल जैसे विश्व धरोहर स्थल की हो। स्थानीय निवासियों और पर्यटकों ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ताजमहल में आने वाले पर्यटक इस आशंका में हैं कि कब कोई और बड़ा हादसा हो जाए। लापरवाही का यही सिलसिला बिल्डिंग में बने बेबी फीडिंग सेंटर पर भी देखा जा सकता है। इस सेंटर को, जिसे महिलाओं और शिशुओं की सुविधा के लिए बनाया गया था, अब एक स्टोर में बदल दिया गया है। इस बदलाव से महिलाओं को होने वाली सुविधा खत्म हो गई है। बेबी फीडिंग सेंटर की आवश्यकता को नजरअंदाज करना अधिकारियों की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। इस प्रकार की अव्यवस्था न केवल ताजमहल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि आगरा के पर्यटन उद्योग पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। यह आवश्यक है कि संबंधित अधिकारी तुरंत कदम उठाएं और बिल्डिंग की मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम शीघ्रता से करवाएं। इसके साथ ही बेबी फीडिंग सेंटर को भी पुनः स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि महिलाओं और शिशुओं को समुचित सुविधा मिल सके। पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधाओं के प्रति इस तरह की लापरवाही अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। प्रशासन को ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों की नियमित जांच करनी चाहिए और किसी भी प्रकार की कमी या खतरे को तुरंत दूर करना चाहिए। ताजमहल भारत की शान है और इसकी सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। सी न्यूज़ के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।